नमस्कार, आपण पाहतात कटुसत्य लाईव्ह न्यूज। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्रभरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकन दाबायला विसरू नका। आज हमारा डेलिगेशन, मेरे साथ माननीय बंसल जी हैं, वासनिक जी हैं और अन्य मित्र हैं, चुनाव आयोग गए। हमने दो तीन अहम मुद्दे उठाए हैं, चुनाव आयोग ने हमें सब्र से सुना। सबसे पहले और सबसे अहमियत वाला मुद्दा है कि एक बेशर्मी से जो वक्तव्य आ रहे हैं कर्नाटक चुनाव के संबंध में, बीजेपी के सबसे बड़े तबकों की तरफ से हमने बड़े स्पष्ट रूप से याचिका और कंप्लेंट की है माननीय गृहमंत्री के विरुद्ध और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उन्होंने तीन चार वक्तव्य जो हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में कोट किए हैं, बड़े स्पष्ट रूप से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो उकसाते हैं, आपसी वैमनस्य फैलाते हैं, पूरी तरह से झूठे हैं, नफरत फैलाते हैं। हमारे अनुसार एक में कॉमनल रायट्स की तरफ रेफरेंस है, कई और वक्तव्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के विषय में संकेतात्मक बड़ा स्पष्ट कहा है, और सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के विरुद्ध साफ झूठे आरोप कि कांग्रेस ने कहा कि अगर हम आएंगे पावर में तो हम रिहा कर देंगे इन सबको, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को। जब हमने चुनौती दी कि बताए कहाँ कहाँ है कांग्रेस थे अपने मैनिफेस्टो में, अपने बयान में, अपने स्टैंड पे, तो कुछ ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। इसके बाद हमने चुनाव आयोग को बताया कि ये आदर्श संहिता का तो बड़ा ही एक नंगा उल्लंघन है, ज़बरदस्त और व्यापक उल्लंघन है, साथ साथ कई सारे फौजदारी प्रावधान इसमें लगते हैं ऐसे वक्तव्यों में। आप लोग जानते हैं उनका नंबर 153 ए, वैमनस्य फैलाना, नफरत फैलाना, 505, उसके अलावा चुनाव के दौरान झूठे वक्तव्य करना। तीसरा, हमने बताया चुनाव आयोग को कि उच्चतम न्यायालय ने बहुत बहुत स्पष्ट रूप से कई बार कहा है, और एक उदाहरण दिया हमने अमीश देवगन का केस जो 2021 में आया था उच्चतम न्यायालय में, जहां कहा गया है कि जितने आप बड़े पद और ओहदे पे हैं उतना ही आप पे जिम्मेवारी ज़्यादा है, उतना ही आपका वक्तव्य हम और ध्यान से देखेंगे और वो उतना ही ज़्यादा गलत होगा क्योंकि आपका ओहदा, आपका पद ऊँचा है। नंबर तीन, हमने कहा कि ये बराबरी समतल ज़मीन को गैर बराबर करता है और इसलिए ये स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर आघात करता है, और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव और गणतंत्र और लोकतंत्र हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। तो इसलिए चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण दायरे का पुलिसमैन है और उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसको तुरंत एक्शन इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि चुनाव के समय बहुत कम होता है, और कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा ओहदा हो, कानून सबके लिए बराबर है। और इसलिए हमने अपनी बात अंत की ये कह के कि ऐसे लोगों को तुरंत चुनाव कैंपेन में शरीक होने से रोक कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। हमने अभी वो आज ही हुआ है, कुछ ही घंटों पहले हुआ है, तो हमने औपचारिक कंप्लेंट नहीं दी है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून के जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं, और वो सिर्फ चुनाव आयोग नहीं है, इतना भद्दा, इतना भर्सना योग्य, इतना गिरा हुआ गटर लेवल का बयान, और हमको हर दिन लेक्चर मिलता है, उपदेश मिलता है कैसे बोलना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे पहले मंत्रियों ने, बड़े बड़े वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने कहा है इस प्रकार की चीज़ें, और कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे मुखर और प्रखर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, वैसा ही इसमें भी होगा, लेकिन हम अपना सब अधिकार क्षेत्र कानूनी इसके विरुद्ध इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार क्षेत्र। फ्रेंड्स,
we have just finished a very productive and a very important meeting. My honorable colleagues are here with us on a visit to the Election Commission. Mr. Bansal is here, Mr. Vasnik is here. The visit complained specifically of the highly objectionable, blatantly partisan, communal and false statements coming from the very top of the BJP leadership, in particular the Home Minister, Mr. Amit Shah, in particular the UP Chief Minister. There cannot be a higher level than this. They have first and foremost clearly made statements suggesting that the Congress will do this or that if it comes to power, including release of members of banned organizations. So false it is, it has got no basis, but it is done for electoral, cheap electoral gain. They have made statements clearly directed against minority communities. There is clearly a self-fulfilling prophecy, as if communal issues can be raised in this manner. We have said that the higher the post, the greater the responsibility, the more the direct policing of the Election Commission. We have quoted Supreme Court judgments which say so. We have quoted the well-known Model Code of Conduct, and most importantly pointed out that a level playing field cannot be maintained for democracy, for free and fair elections, unless the Election Commission acts directly. And a level playing field is the heart of the basic structure of the Constitution, which is on the very top of the hierarchy. In a nutshell, we have therefore asked for a ban on campaigning on such persons, for prompt action. We all understand that the window of elections is very narrow, and therefore clear, strong, effective ground action by the EC is vitally necessary on an urgent basis. After all, an FIR had been lodged. So what is the reason for the delay? And you know, Now they have no excuse for anything. We have gone in a delegation and put everything in writing, and we hope and trust that what is preached every day to everybody else except the BJP is practiced upon the BJP now. Singhvi sir, ek clarification chahiye. Aapne UP ke mukhyamantri aur Amit Shah ke khilaf chunav prachar pe pratibandh lagane ki maang ki hai aur UP CM ke kis bayan ki specific shikayat ki? Main aapke Ramayan ke baad Ram ka naam poochne wale prashn ka uttar kaise do, mujhe samajh nahi aaya. चुनाव आयोग से मिला है उनका डेलीगेट. देखिए, वो जब भी आए, जहाँ भी आए, चुनाव आयोग देखेगा. लेकिन मुझे हंसी आ रही है कि जिस बयान का स्पष्टीकरण आ गया है, जिसके बारे में बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं की, उसमें इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है. और यहाँ गृहमंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके बड़े वरिष्ठ नेता इस प्रकार के भद्दे बयान दे रहे हैं सोनिया गांधी के बारे में, और यहाँ पर डेलीगेशन वो ला रहे हैं, ये तो मजाक की चरम सीमा है. पात्रा निर्भीड सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटु सत्य लाइव न्यूज. धन्यवाद.